Hey everybody, this is Brijesh here और आप देख रहे हैं CAB Infoventry। दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर आपको जो भी गेन होता है उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो आपका सवाल आएगा कि सर, क्या हम उस इनकम टैक्स को बचा भी सकते हैं? हाँ दोस्तों, बिल्कुल बचा सकते हैं, और वो भी लीगली। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन सारी एसेट्स के बारे में जिनके सेल करने पर आपको कोई अगर प्रॉफिट या गेन होता है तो उस पर आपको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और उस इनकम टैक्स को आप किस तरह से थ्रू टैक्स प्लानिंग बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसको मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में आपके साथ। अब आपका सबसे पहला सवाल आएगा कि कैपिटल गेन होता क्या है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी एक कैपिटल एसेट है। इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी एसेट्स भी कैपिटल एसेट होती हैं, और उनके बारे में भी मैं अभी आपसे बात करूंगा। तो जब भी हम कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं तो उससे अगर हमें कोई गेन या प्रॉफिट होता है तो वो कहलाता है कैपिटल गेन, और उसे कैपिटल गेन के नाम से जाना जाता है इनकम टैक्स के अंदर। ये कैपिटल गेन भी दो तरह के होते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी को परचेज करने के बहुत थोड़े समय बाद सेल कर दिया है तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर उस प्रॉपर्टी को आपने अपने पास लंबे समय तक रखने के बाद सेल किया है तो वो कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये दोनों ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग अलग तरह से इनकम टैक्स के अंदर टैक्स होते हैं, और उनका रेट ऑफ टैक्स भी अलग अलग है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हर तरह की प्रॉपर्टी के ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसके बारे में, ताकि आप उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएं और इन एडवांस ये प्लान कर पाए कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर कितना टैक्स आपको देना होगा और कितने अमाउंट पर देना होगा। इन सब बारीकियों को मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि इस इनकम टैक्स को आप किस तरह से बचा सकते हैं लीगली। जी हाँ, प्रॉपर्टी के ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसको आप थ्रू टैक्स प्लानिंग लीगली सेव भी कर सकते हैं, यदि आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं। मैं आपसे इस वीडियो में हर तरह की प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा, उसके टैक्सेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, और उस टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है लीगली उस बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। चाहे वो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, या फिर प्लॉट हो, या फिर अपार्टमेंट हो। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि कैपिटल गेन लगता है कैपिटल एसेट के ऊपर इनकम टैक्स में, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि कैपिटल एसेट खुद ही क्या है, हम तो इसे नहीं जानते हैं। दोस्तों, घबराइए नहीं, मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं कि इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल एसेट क्या होती है, क्योंकि कैपिटल एसेट के बेसिस पर ही ये डिसाइड होगा कि किस तरह का टैक्स आपकी उस प्रॉपर्टी की सेल पर लगेगा, यानी के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल एसेट होती है आपकी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड राइट्स, मशीनरी, यूलिप, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एंड अपार्टमेंट। इसके अलावा ज्वेलरी,
आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट आर इंक्लूडेड विद इन द कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स. ज्वेलरी का मतलब होता है एनी ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रेशियस मेटल वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन एंड वेदर और नॉट वर्क्ड और स्वेन इनटू एनी वेयरिंग अपैरल. इसके अलावा कोई भी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन चाहे वो किसी भी फर्नीचर, यूटेंसिल या किसी भी दूसरे आर्टिकल या वर्क में है या इट इज स्वेन इनटू एनी वेयरिंग अपैरल विल आल्सो बी कमिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी. यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए कि आपके पर्सनल इफेक्ट्स यानी कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आपके वेयरिंग अपैरल्स और फर्नीचर जो कि आपके पास हैं आपके पर्सनल यूज के लिए या आपकी फैमिली के मेंबर्स जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके यूज के लिए वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, यानी कि इन पर आपको कोई भी कैपिटल गेन पे नहीं करना पड़ता है उनकी सेल पर. ऑल्सो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है. रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब है कि वो लैंड जो कि म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या कंटोनमेंट बोर्ड के बाहर सिचुएटेड है. सीधे साधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ऐसी लैंड जो अर्बन एरिया के बाहर सिचुएटेड है तो इसका मतलब यह हुआ कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है उनकी सेल पर अंडर इनकम टैक्स. इसके अलावा सर्टन गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो कि इश्यू किए गए हैं अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 उनको भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, यानी कि इन पर भी आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स इनकी सेल पर या ट्रांसफर पर नहीं देना पड़ेगा. इसके अलावा कोई भी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स या रॉ मटेरियल जो कि आपने अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए रखा हुआ है उसे भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से अलग किया गया है, उसकी सेल पर भी आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट सेल करते हैं और उस पर आपको प्रॉफिट या मुनाफा या गेन होता है तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा. अब एग्जांपल के लिए आपका कोई एक फ्लैट है और उसको आप सेल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपको उस पर प्रॉफिट या गेन होता है. हालांकि ये डिपेंड करेगा कि आपने उसको उसकी परचेज की डेट से कितने दिन बाद सेल किया है और उसी के बेसिस पर यह तय होगा कि उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. अब आप पूछेंगे कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है, तो ये वो टाइम पीरियड है जितने समय तक किसी एसेट को बेचने से पहले आपने खरीदने के बाद अपने पास रखा, यानी कि कितने पीरियड तक आपने उस प्रॉपर्टी को या एसेट को होल्ड किया है. तो अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड या बिल्डिंग या अपार्टमेंट तो उस केस में अगर आप उस प्रॉपर्टी को उसकी परचेज की डेट से 24 महीने तक
यानी 24 मंथ्स तक अपने पास रखने के बाद सेल करते हैं, ऐसी कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पर होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी परचेज की डेट से 24 महीने से कम समय तक अपने पास रखने के बाद सेल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पर होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। 2017 से पहले ये टाइम लिमिट 24 मंथ्स ना होकर 36 मंथ्स होती थी, जिसे घटाकर अब 24 मंथ्स कर दिया गया है। यह आपके लिए एक फेवरेबल स्टेप था क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के मुकाबले कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको वो रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है जो आपकी नॉर्मल इनकम पर लग रहा है। हो सकता है आप 30% के टैक्स लैब में हो या 20% के टैक्स लैब में हो या 5% के टैक्स लैब में। वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में फ्लैट 20% का टैक्स लगता है। लेकिन इसके साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको वेरियस एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं। तो जो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट होता है वो 20% से काफी कम भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलता है। इसका मतलब है कि जिस साल में आपने उस एसेट को परचेज किया था और जिस साल में आप उस एसेट को सेल करते हैं उसके बीच में जो भी इन्फ्लेशन का फर्क आता है उसका फायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडेक्सेशन के रूप में आपको देता है। और सीधे साधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो जिसकी वजह से आपकी परचेज प्राइस बढ़ जाती है और आपको कम अमाउंट पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इस इंडेक्सेशन का कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है वो मैं अलग से एक वीडियो में डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको इंडेक्सेशन का कोई भी फायदा नहीं दिया जाता। यानी कि अगर आपने सपोज कीजिए आज से एक साल पहले कोई एसेट 5 लाख रुपए में खरीदी थी और उसके बाद एक साल बाद आप उसको 8 लाख रुपए में बेचते हैं तो सीधे सीधे आपको 3 लाख रुपए पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालकर जरूर बताइए। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं इस यूट्यूब चैनल CABN इन्फोवेंट्री पर। तो अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सकें और हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।